हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि रक्त का संबंध जिस प्रकार वायु का जिस प्रकार से लिखा है दोस्तों हम लोगों का श्वसन, उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है रक्त का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि नौ का संबंध जिस प्रकार से 80 लिखा है तो उसी प्रकार से 100 का संबंध क्या क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। यदि एक प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें सीरीज वाला सवाल दिया गया है, जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 415 है दोस्तों, जिसने पार्ट 414 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से देखिए कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, DFCCL, MTS, CHSL, CPUSSC, GDCSF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप डी, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBPC, RPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि वायु का संबंध जिस प्रकार से हम लोगों का श्वसन लिखा है, तो उसी प्रकार से रक्त का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, चलिए एक बार करते चलिए और जरूर कॉमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपने सही कर पाया। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोगों के सामने वायु यानी कि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यानी सांस यानी श्वसन यानी कि अंदर ले आते हैं, यानी वायु को क्या करते हैं दोस्तों, श्वास के द्वारा यानी कि हम लोग श्वसन यानी कि अंदर करते हैं, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से देखिए वायु का संबंध श्वसन कैसे लिखा है दोस्तों, यानी श्वास लेते हैं तो पूरे शरीर में हम लोग यानी कि श्वास लेते हैं दोस्तों, तो उसी प्रकार से रक्त का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, परिसंचरण हो जाएगा, यानी रक्त को पूरे शरीर में हम लोगों का यानी कि किसका काम करना है दोस्तों, परिसंचरण का काम है, यानी रक्त को पूरे शरीर में हम लोगों का यानी फैलाना, परिसंचरण करना, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समझना है कि पहला का संबंध जिस प्रकार से वायु का संबंध श्वसन यानी वायु हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, श्वसन, उसी प्रकार से रक्त का संबंध क्या हो जाएगा यहाँ पर, परिसंचरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लॉजिक लगाइए और इस प्रश्न का आंसर ए सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न, सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने 15 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 16, ट्राई कीजिए, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 20, फिर है हम लोगों के सामने 29, उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। 15 से यदि आप 16 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा है, तो एक जोड़ा गया, उसी प्रकार से देखिए 16 से यदि 20 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस क्या किया उसने, 4 किया है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है, 9 किया है। तो अगला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो इस जगह पर देखिए 1 है, 4 है, 9, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यों 16 होगा अभी बता देते हैं। देखिए तो 9, 6, 15 करीब 5 हासिल रहा है, 1, 2, 1, 3, और इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हासिल जैसे जोड़ेंगे 45, क्यों हुआ 45। देखिए यहाँ पर एक लॉजिक लगाना था, उसने क्या किया दोस्तों, स्क्वायर जोड़ा है, यानी देखिए एक जो है हम लोगों के सामने जान रहे हैं दोस्तों, एक का स्क्वायर है, ये 4 जो देख रहे हैं, ये देखिए जैसे 4 यहाँ पर कैसे जोड़ा दोस्तों, ये जान रहे हैं क्या है, 2 का स्क्वायर, उसी प्रकार से 9 जो देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर। तो अगला जो 16 है दोस्तों, ये किसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ा गया था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 आ जाएगा। कैसे सीरीज को आपको देखना है, पहले 1 जोड़ा, 4 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, 16, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर, फिर 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर, जैसे ही जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का यहाँ 16, तो 16 जैसे 29 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 45 हो जाएगा।
अगला प्रश्न ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, तो चलिए करके दिखाइए। यहाँ पर कह रहा है कि 9 का संबंध यदि 80 है तो उसी प्रकार से 100 का संबंध क्या होगा। अभी तक 3-4 सेट में रिपीट कर चुका है, क्योंकि हमारा आप जानते हैं दोस्तों कि पार्ट 1 से आप जान रहे हैं कि अभी हम लोगों का कितना दूर चला गया, तो पार्ट नंबर हम लोगों का 415 पे आ गए दोस्तों। सोचिए कि इतना दूर तक आ चुके हैं तो हमारा कितना क्वेश्चन अभी तक रिपीट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि पार्ट 1 से आप जाके चैनल पर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है दोस्तों जेंजेंसी कराई है उसी पैटर्न पर आधारित है, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कैसे कीजिएगा दोस्तों, 9 का संबंध यदि हम लोगों के सामने 80 लिखा है, यानी 9 का संबंध 80, तो उसी प्रकार से समानुपात का चिन्ह दिया गया है और कह रहा है कि 100 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बताते हैं लॉजिक, देखिए कि 9 से 80 पे जाएंगे तो क्या करना होगा। ये देखिए तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया 9 का स्क्वायर करके, अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों 1, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में से जैसे ही 1 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। तो वही 80 देखिए यहाँ पर लिखा है, तो उसी प्रकार से जो वाला संख्या का निकालना उसका कर दीजिए, तो 100 का आप क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, तो 100 का जैसे ही स्क्वायर कर देंगे अब माइनस क्या कर देंगे 1, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा से हम लोगों के सामने 10,000 में से 1 जैसे ही घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9,900 क्या आ जाएगा, 99 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जिस प्रकार से पहला वाला लॉजिक है स्क्वायर करके 1 घटाया, तो वही लॉजिक दूसरा में लगाएंगे, स्क्वायर करके हम घटा देंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिक बात समझना है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही। स्क्वायर क्या होता है, जैसे कहेगा कि 2 का स्क्वायर आप कैसे जानते हैं दोस्तों 4 होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 × 2, उसी प्रकार से कहेगा कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 बार वही संख्या को गुना, यानी कि स्क्वायर किसी का भी निकालना है तो वही संख्या, जैसे 3 का स्क्वायर कहा जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि 3 × 3 2 बार करेंगे, तो यही होता है। जैसे 100 का स्क्वायर, तो 100 × 100 2 बार करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों का 10,000 हो जाएगा, उसमें 1 घटा देंगे तो 9,999 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न दिया है 4th नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। चलिए करके दिखाइए कि ये 2 जगह क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर और 1 यहाँ पर है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो चलिए एक बार करके देखिए दोस्तों आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो देखिए लुप्त संख्या वाले प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों, या तो यहाँ पर एक तरीके से आपको सोचना है कि किस प्रकार से नंबर आखिर दिया है, जैसे 15 है, 8 है, 3 है, 10, इसमें से एक संबंध देखना है कि किस प्रकार से लिखा है। तो चलिए हम आपको बताएं, ये देखिए किस प्रकार से उसने यहाँ पर चला है, ये देखिए यहाँ पर सीधा सा दोस्तों इस प्रकार से हुआ है। यहाँ पर लॉजिक को देखिए कि 15 और प्लस क्या कर दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 3 कर दिया, अब बराबर इधर क्या लिखा दोस्तों 8 और प्लस क्या कर दिया हम लोगों के सामने 10। ये देखिए 15 × 3 क्या हो जाएगा 18, और 10 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 18। लॉजिक को समझिए, उसने लॉजिक कैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने लगाया है। इधर उसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से चल रहे हैं सीधा सीधा, इधर तो यहाँ पर जैसे ही 24 अब प्लस कर दीजिएगा दोस्तों 10, और इस जगह पर बराबर कर दीजिएगा 30 अब प्लस क्या कर दीजिएगा दोस्तों 4, तो इधर इधर हो जाएगा 24 × 10 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, और 30 × 4 इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 34। लॉजिक को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो उसी प्रकार से जॉन वाला नंबर का निकालना है दोस्तों, ये वाला नंबर का निकालना है, इधर कि आखिर ऐसा क्या लॉजिक लगाएंगे जो कि हम लोगों का जोड़ने के बाद हो जाए। तो अगर यहाँ पर देखिए क्या जोड़ने से एक, अगर पहला ऑप्शन ऑप्शन को रखना होगा, अगर इस जगह पर सर आप 10 ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 16 रख देंगे और जोड़ेंगे तो क्या हो पाएगा, देखिए 14 × 10 = 24 और 20 × 16 = 36, तो कभी नहीं हो पाएगा, ये वाला ऑप्शन तो कभी आपका हो नहीं पाएगा। सीधा सा ऑप्शन नंबर बी को उठाएंगे, अगर यहाँ पर 5 रख देंगे और इस जगह पर 11, तो देखिए 14 × 5 = 19 अब 20 × 11 = 31, तो ये भी नहीं हो पाया, तो हो गया। अब सी को जैसे ही उठाएंगे दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए सी को जैसे ही उठाएंगे तो हम लोगों के सामने यहां पर यदि आप 12 रख देते हैं ठीक है, उसी प्रकार से इस जगह पर 6 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का लॉजिक लग जाएगा। ये देखिए 14 × 12 = 26, हाँ बिल्कुल हो गया, यानी कि सीधा सा आप कह देंगे दोस्तों 14 अब प्लस क्या कर देंगे 12 कर देंगे, अब बराबर इधर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इधर 14 + 12 इधर हो जाएगा दोस्तों 20 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यहाँ पर इधर थोड़ा सा कर देते हैं, इधर कर देते हैं, हाँ 20 प्लस क्या करना है दोस्तों 6 कर देना है, 20 अब प्लस क्या दोस्तों 6 कर देना है, कितना हो जाएगा, इधर 14 × 12 = 26, अब 20 + 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 26, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए, तो कैसे करेंगे मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न। कई बार पूछा गया दोस्तों, अलग अलग फिगर रहता है और अलग अलग ऑप्शन इस प्रकार से, इसीलिए आपको बोले हमने कि पार्ट वन से यदि आप देख लेते, हमने जितने भी रिसेंटली एग्जाम है दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन को एकदम न्यू पैटर्न पर करवा चुके हैं, जरूर जाके पार्ट वन से देख लीजिए। अगला प्रश्न की दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, हमने हर एक चैप्टर से दोस्तों रीजनिंग के जितने भी चैप्टर है हमने सभी चैप्टर और सभी टाइप के क्वेश्चन हमने करवाया है। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध इस प्रकार से, क्यों हम ये बात बोल रहे हैं कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए हमने कहा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए स्टूडेंट आते हैं तो उसको बताना जरूरी होता है। तो देखिए जैसे दिया दोस्तों ए है, उसके बाद बी है, सी है, डी है, इसका संबंध कह रहा है कि हमने लिखा है एच जी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ और यहाँ पर लिखा है ई, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि ओ, फिर पी, क्यू और आर, तो इसका संबंध क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तरीका कि ए से यदि एच पे जाएंगे तो क्या क्या है, बी से जी पे जाएंगे, सी से एफ पे जाएंगे, डी से ई पे जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लेटर उसने वृद्धि किया है या क्या क्या दोस्तों कमी क्या होगा, तो चलिए करके दिखाइए। ए में कितना लेटर जोड़ेंगे जो कि एच आ जाएगा, सीधा सा सर यहाँ पर आप सात जोड़ देंगे, इस जगह पर क्या जोड़ेंगे दोस्तों सात, किसमें तो ए बी सी डी में, आप बेसिक बात को समझिए। यहाँ भी देखिए बी में कितना जोड़ना होगा, तो बी में अगर यहाँ पर आ रहा है दोस्तों तो इस जगह पर उसने पाँच जोड़ दिया है, ठीक है। सी से यदि जा रहे हैं दोस्तों तो इसमें उसने कितना जोड़ा है, तीन जोड़ा है। डी से ई पे जा रहे हैं तो एक जोड़ा है। देखिए लॉजिक को किस तरीके से लगाया, यहाँ पर सात जोड़ा, यहाँ पर फिर पाँच जोड़ा, देखिए तरीका को समझना है, पाँच उसके बाद यहाँ पर तीन आप प्लस क्या दोस्तों वन क्या, इस प्रकार से देखिए पंद्रह सात क्या हो जाएगा दोस्तों बाईस हो जाएगा। तो बाईस हम लोगों का किसका होता है, भी का होता है, इसका जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा। तो देखिए भी उसके बाद यू टी एस, तो भी यू टी एस किसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है सर, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे एनालॉजी सदृश्यता से संबंधित प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, हमने सभी चैप्टर से जितने भी चैप्टर है दोस्तों सभी चैप्टर से हमने प्रश्न करवा चुके हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन है, और जितने भी है सारा आपका प्रीवियस पेपर के, कह रहा है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, एक डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो डिजाइन को आपको पूरा करना है तो कैसे होगा, तो ठीक है सर इस प्रकार से फिगर होगा, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से गोल वाला आकृति होगा, एक बार इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इस प्रकार से गोल वाला आकृति हो जाएगा, और हम लोगों का अंदर में अब देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों इस प्रकार से इस जगह पर हो जाएगा, ठीक है, और एक रेखा हम लोगों का निकल जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और इसमें एम वाला कैसा आकृति होगा, तो एम वाला हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने इस प्रकार से क्या आ जाएगा दोस्तों एम वाला आकृति होगा, तो यहाँ पर ऐसा होगा। देखिए किस फिगर में ऐसा हम लोगों के सामने दिख रहा है, ये वाला तो कभी होगा नहीं, किस प्रकार से कर दिया है, ये भी देखिए हम लोगों का आकृति नहीं होगा, किधर किया है ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर जैसा आकृति वहां पर देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल आप समझ जाएंगे, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी एक फिगर दिया है वहां पर आधा फिगर जैसे एक कोना पर उसको पूरा करना है, तो कौन सा ऑप्शन रख देने के बाद फिगर कंप्लीट हो जाएगा, यही आपसे सवाल कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी जैसे ही रख देंगे फिगर कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया गया है, यानी रक्त संबंध से। इधर कह रहा है कि यदि एक्स की जो है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों साफ साफ कह रहा है, यदि एक्स की माँ जो है वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो वाई के पति का कर, अच्छा वाई के हम लोगों का लिखा है दोस्तों पति के पिता, यानी वाई के क्या दोस्तों यहाँ पर लिखा है पति के पिता एक्स के डैश है, और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया, चलिए करके दिखाइए तब जानेंगे, खाली हवा में तीर लगाने से नहीं होगा बल्कि सवाल को सॉल्व करने से होगा। देखिए कह रहा है दोस्तों यदि एक्स की माँ, तो सीधा सा आप लिख लीजिए दोस्तों इस जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ यहीं पर करते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे से करते हैं एकदम समझ जाएंगे, एक्स की क्या है दोस्तों माँ है, तो एक्स की माँ हमने बना लिया, एक्स की माँ कर, एक्स की माँ जो है वाई के पिता, यानी वाई के क्या दोस्तों हम लोगों का पिता इस जगह पर वाई के पिता, हाँ तो वाई इस जगह पर बना लेते हैं, और वाई के पिता की क्या बोला है दोस्तों एकलौती पुत्री है, यानी वाई के पिता की क्या है एकलौती पुत्री है, तो ठीक है एकलौती पुत्री हो गया, यही क्या है दोस्तों एकलौती पुत्री है, तो y के करा कि तो y के पति, यानी y के क्या दोस्तों हम लोगों का, यानी y के पति का हम लोगों का पिता, यानी y का भी कोई क्या है दोस्तों पति है,
तो पति का हम लोगों का यानी वाय के पति के अगर पिता जो है दोस्तों एक्स के क्या लगेंगे, तो वाय के जो पति होगा ठीक है, यानी वाय के भी जो इस जगह पर बना लेते हैं वाय के क्या दोस्तों पति, तो ठीक है हमने बना लिया वाय के पति का पिता, यानी कि अगर पिता देखा जाए तो अगर हम लोग इसका पिता अगर ले लेंगे दोस्तों सीधा सा इसका भी पिता ले लेंगे, तो हम लोगों का देखिए तो इसका माँ हो गया, माँ का अगर इधर से लेंगे दोस्तों भाई हो जाएगा, और भाई भाई हो जाएगा तो उसका इधर से देखेंगे यानी भाई का जो हम लोगों का हस्बैंड होगा उसका पिता कौन लगेगा दोस्तों, तो नाना हो जाएगा। अगर सीधा सा इस प्रकार से लेंगे भाई से लेंगे तो हम लोगों का दादा या तो क्या आ सकता है दोस्तों नाना आ सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए यहाँ पर हम लोगों का समझ जाएंगे दोस्तों, अगर आप अभी भी नहीं समझे एक बार फिर से देखिए क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। करें एक्स की माँ, तो एक्स का सबसे पहले क्या बना लेंगे दोस्तों माँ कर लिए ठीक है, एक्स की माँ। करें एक्स के जो माँ है वाई के पिता, तो इस जगह पर वाई हो जाएगा दोस्तों यानी वाई के पिता, तो वाई के पिता का क्या है दोस्तों एकलौती पुत्री है, तो वाई के पिता का क्या है एकलौती पुत्री है। अब फिर कर रहा है तो वाई के हम लोगों का क्या दोस्तों कर रहा है वाई के पति का पिता, तो वाई के अगर जो पति है तो वाई के अगर पति इस जगह पर दूसरा बना लेते हैं यानी कि पति के जो पिता होगा दोस्तों, तो पति के पिता हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा पति का पिता, तो अगर इसका पति का पिता देखा जाए तो इधर से हम लोग लेंगे तो माँ हो गया, माँ का जो पिता है उसका यानी अगर पुत्र हो गया, और इसका अगर ये पुत्री हो गया उसका, तो इधर से देखेंगे तो नाना हो जाएगा, यानी सीधा सा इस प्रश्न का आंसर या तो दादा या तो क्या जाएगा दोस्तों नाना में जाएगा। जैसे भी आप लॉजिक लगाएंगे या तो दादा जाएगा एक तरीके से और दूसरा तरफ से देखेंगे दोस्तों नाना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा बाकी कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों कह रहा है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यहाँ पर दो तरीके के नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों नहीं, कभी कभी पूछता है कि बनाया जा सकता है और कभी कभी पूछता है नहीं बनाया जा सकता है, तो चलिए नहीं बनाया जा सकता है वही बात आपको इसमें बताना है, तो नहीं, तो चलिए इसी में देखना है। जैसे कि हम लोगों का लीनियर जो लिखा है दोस्तों एक एक लेटर इसमें देखना है कौन कौन लेटर मिल रहा है हम लोगों के सामने, तो चलिए देखते हैं इसमें खोज के कौन कौन लेटर मिल रहा है। जैसे ई, तो ई है क्या, ई देखिए ई ए आर, तो ई तो बनाया जा सकता है इसमें कोई दोराय नहीं है। एन ई ए टी, तो देखिए एन भी है ई भी है ए भी है लेकिन टी कहीं है ये ना, तो पता चल गया इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे टी का प्रयोग, क्या लिखेंगे दोस्तों टी का आप प्रयोग किया है, टी का क्या है किया दोस्तों प्रयोग किया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए ना लीनियर में हम लोगों का कहीं टी है क्या, नहीं तो वही लिखा है टी का प्रयोग कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगा, ये भी प्रश्न आपका दो तीन सेट में अभी तक रिपीट कर चुका है। देखिए पहला आकृति का संबंध इस प्रकार से दिया है तो उसी प्रकार से दूसरा आकृति का संबंध क्या होगा, तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, इन्हें रोकिए और पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए दोस्तों कितने प्रश्न आपने सही कर पाया। तो यहाँ पर देखा जाए कि इस प्रकार से क्या है तो उसी प्रकार से इसका देखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा इस प्रकार से क्या है और यहाँ पर ले जाके इस प्रकार से बनाया और इस प्रकार से क्या, और इसी पे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, उसने देखिए सब जगह पे जितना था एक भुजा पर इस प्रकार से उसने गोल वाला यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों सही, ना कि ये हो सकता है ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे हैं, कोई हम लोगों का डी लगा रहा है तो कोई बी लगा रहा है तो कोई ए लगा रहा है, अलग अलग आंसर कर रहे हैं, बल्कि आकृतिक समय यहाँ पर जितना भी भुजा वर्ग में जितना भुजा है तो उस भुजे पर उसने इस प्रकार से बना दिया भुजा पर यानी जो भुजा है, तो उसी प्रकार से ये वाला जो आकृति त्रिभुज टाइप में है दोस्तों यहाँ पर उस पर भुजा निकाल देंगे, तो बिल्कुल हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी आएगा, ना कि अलग अलग आप जो आंसर कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं दोस्तों बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, दो तीन सेट में रिपीट कर चुका है अभी तक। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया दोस्तों, वो कह रहा है कि ए बराबर यदि हम लोगों के सामने एक है, उसके बाद देखिए कार को इस प्रकार से लिखा है तो ऑफिसर को क्या होगा, यानी ऑफिसर के लिए पूछा जा रहा है कि कोड आपने क्या लिखेंगे, तो चलिए कर देते हैं। देखिए ए के लिए आप जानते हैं दोस्तों एक होता है, किसमें ए बी सी डी में आप जानते हैं ए के लिए उसने एक लिखा,
उसी प्रकार से कार लिखा है तो सी ए आर को क्या लिखा है दोस्तों, 22 लिखा है। कैसे लिखा है तो सी के लिए आपको 3 लेना है, ए के लिए कितना लेना है दोस्तों 1 लेना है, आर के लिए कितना लेना है दोस्तों 18 लेना है। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ गए। उसी प्रकार से ऑफिसर का तो ओ, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डबल एफ, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों सी ई और क्या हम लोगों के सामने आर है। तो चलिए इसका निकालना, क्या आप इसका नहीं कर सकते, निसंदेह कर सकते हैं। ओ के लिए क्या होता है सर, एबीसीडी में 15 होता है, एफ के लिए हम लोगों के सामने 6, एफ के लिए भी 6, आई के लिए 9, सी के लिए क्या दोस्तों 3, और ये देखिए थोड़ा एकदम यहाँ पर सी के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों 3, और ई के लिए हम लोगों के सामने क्या ले लेंगे 5, और आर के लिए नीचे लिख देते हैं, हटाइए आर के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों नीचे लिख देंगे 18 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको जोड़िएगा, देखिए हमने सारा का लिख दिया, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये, इसके लिए ये, ई के लिए 5, और आर के लिए हमने नीचे, आर के लिए क्या किया दोस्तों यहाँ पर सीधा सा हमने कहा कि आर के लिए नीचे लिखे हैं कोड, आर के लिए क्या लिखे हैं नीचे। तो बस इसको जोड़ दीजिए, आर के लिए कितना होता है 18 होता है, देखिए 18 थोड़ा दिख नहीं रहा लेकिन दिखेगा, ये देखिए 18। तो अब जोड़ लेते हैं, चलिए हम जोड़ते हैं 15, 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, 21 और हम लोगों का 6 जोड़ेंगे दोस्तों तो 21, 6 कितना हो जाएगा 27, 27 और 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 36, 36 3 39, 39 और 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 44, 44 और 18 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, जब जल्दी से जोड़ लेते हैं 44 और हम लोगों के सामने 18, तो 8 4 12 करीब 2 हासिल रहा है, 1 4 1 5 1 6 62 हो जाएगा। यानी हमने जोड़ लिया, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 62 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अच्छे से जोड़ लीजिए, कोई घबराहट महसूस करने की कोई बात ही नहीं है, आप सीधा सा जोड़ सकते हैं। ओ के लिए 15, एफ के लिए 6, एफ के लिए 6, आई के लिए 9, सी के लिए 3, ई के लिए 5, और ई कहाँ से लिख रहे हैं आप, कहाँ से लिख रहे हैं, ऐसा आपने क्यों लिखा, तो क्योंकि आप जानते हैं कि ए से लेकर हम लोगों के सामने जेड तक में 26 लेटर होता है, तो जब जेड का 26 होता है तो ए का 1 होगा, उसी प्रकार से बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, पूरा नंबर आप याद कर लीजिए, बस वही काम तो कर रहे हैं, इसमें घबराहट महसूस क्या कर रहे हैं आप। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए, एक बार अच्छे से जोड़ लेते हैं फिर आप कहेंगे कि गलती तो नहीं किए। 15 इधर 6 6 12, 15 12 27 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 36, 36 3 39 और 5 हो जाएगा हम लोगों के सामने तो 39 5 44 और 44 18 जोड़ेंगे तो बिल्कुल हम लोगों का सही है, 8 4 12 करीब 4 1 5 1 6 बिल्कुल सही है, इस प्रश्न का आंसर डी ही सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 11 नंबर, बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा ही क्योंकि उस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि भिन्न की पहचान करें, भिन्न का मतलब 4 में से 3 क्योंकि एक चैप्टर होता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, तो उसमें जानते हैं कि अलग अलग टाइप के सवाल देते हैं, कभी अंक देता है, कभी संख्या, तो कभी शब्द, इस प्रकार से पूछा गया प्रीवियस में, तो हमने सभी तरीके के टाइप को करवा चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है अंगूठी, चूड़ी, हार, हीरा, तो अब कौन सा अलग होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो आंसर दिया दोस्तों इस प्रश्न का आंसर डी को लिखा है, हीरा अलग दिया, क्यों लिखा है देखिए अंगूठी हो गया, हार हो गया, उसके बाद चूड़ी हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख भी देते हैं दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का पहनने वाला है, ये सभी क्या है दोस्तों पहनने वाला है, तो देखिए इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हीरा अलग हो जाएगा। अंगूठी आप पहनते हैं यानी अंगुली में, चूड़ी भी आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर पहना जाता है, हार भी आप लोगों का पहनने में आता है, लेकिन हीरा यहाँ पर अलग हो जाएगा, हीरा को क्या करेंगे दोस्तों अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा सर हीरा भी तो पहनते हैं, देखिए हीरा पहनने का नहीं, यहाँ पर आपको एक अलग करना है, इन चारों में से क्या करना है दोस्तों एक अलग, क्योंकि भिन्न की पहचान करता, आप फिर लॉजिक क्या लगाएंगे, अगर अंगूठी, अगर चूड़ी और हार यहाँ पर दिया गया, हीरा यहाँ पर अलग हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर डी दिया दोस्तों, और एजेंसी ने भी इस प्रश्न का आंसर क्या दिया है डी को दिया है। एक तरीके से लॉजिक लगाइए, क्योंकि अंगूठी हो गया, चूड़ी हो गया, हार हो गया, ये सभी हम लोगों का पहनने वाला है, लेकिन हीरा क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों देखिए यहाँ पर हीरा का अलग अलग तरीके से यूज होगा, तो उस पर आधारित यहाँ पर लॉजिक लगाना होगा, कहने से नहीं होगा कि इस तरीके से कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि डी से होगा, क्योंकि देखिए अंगूठी आप पहनते हैं, चूड़ी भी पहनते हैं, हार भी आप लोगों को पहनते हैं, लेकिन हीरा हम लोगों का कैसे, यहाँ पर हीरा का कुछ रहता तो अलग होता, क्या हीरा डायरेक्ट आप ऐसे कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्षित, आप जानते हैं कि कथन निष्कर्षित सवाल कई बार पूछा गया है, तो चलिए करके बताइए। जैसे यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि सभी महिलाएं फूल है,
तो बना लेते हैं कि जितना भी महिलाएं हैं सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, महिलाएं आपका फूल हो जाएगा। तो सारा महिला को एक गोला के अंतर्गत कर देंगे फूल। फिर कह रहा है कि सभी फूल क्या है दोस्तों, पेड़ है, यानी सभी फूल को क्या कर देंगे हम लोग, पेड़ कर देंगे। तो एक गोला के अंदर क्या क्या चल जाएगा, दूसरा गोला चल जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला गोला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पेड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष में उसने क्या कहा है और चलना है। कह रहा है कि सभी महिलाएं, तो देखिए 12 नंबर यदि आप नहीं समझे दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि सभी महिलाएं फूल है, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यानी जितने भी हम लोगों के सामने महिलाएं हैं यहाँ पर सबसे पहले सभी महिलाएं क्या हो जाएंगे दोस्तों, फूल हो जाएंगे। यानी सारा महिला किसके अंतर्गत आ जाएंगे, फूल के अंतर्गत। फिर कह रहा है कि सभी फूल क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने पेड़ है, यानी जितना भी फूल है वो किसके अंतर्गत चला जाएगा, पेड़ के अंतर्गत चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसको क्या कर लेंगे, अंदर कर लेंगे। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहा है, कह रहा है कि सभी महिलाएं पेड़ है, यानी निष्कर्ष कर रहा है दोस्तों सभी महिलाएं पेड़ है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना भी महिला का हिस्सा देख रहे हैं, जितना भी महिला दोस्तों क्या हम लोगों के सामने, पेड़ के अंतर्गत, क्योंकि इतना बड़ा गोला क्या हम लोगों के सामने, पेड़ का है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये वाला सही होगा, क्योंकि जितना भी महिला है वो पेड़ के अंदर में, क्योंकि इतना बड़ा गोला पेड़ का और उसी के अंदर में क्या है दोस्तों, सारा महिला है। तो पहला आपका बिल्कुल सही होगा। दूसरा कह रहा है कि सभी पेड़ महिला, क्या सब टू पेड़ ही महिला के अंदर में जा पाएगा, अरे इतना बड़ा गोला कैसे महिला के अंतर्गत जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा सर। वह कह रहा है कि सभी पेड़ महिलाएं तो नहीं जा पाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया है। तो अलग टाइप में देखिए, अभी एक तरह की कोडिंग हमने करवाया, यहाँ पर अलग दिया। कह रहा है किसी संकेतिक भाषा में BAT को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि मैन को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, देखिए यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले जो लिखा है BAT, तो इसका संबंध लिखा हम लोगों के सामने DCB। उसी प्रकार से कह रहा है MAN का संबंध क्या होगा। तो चलिए बता देते हैं दोस्तों किस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा। B से D पे जाएंगे, A से C पे, T से B पे, इस प्रकार से कुछ ना कुछ लेटर, या तो उसने वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। देखिए B से D पे जाएंगे, B के बाद C और D +2, उसी प्रकार से A C पे +2, T से B पे +2, तो सब में आपको क्या करना है दोस्तों, +2 कर देना है। जैसे ही आप सब में +2 कर देंगे आपका आंसर है M के बाद N और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों O, A के बाद 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा C, N के बाद O और क्या हो जाएगा दोस्तों P हो जाएगा, यानी OCP ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, बस तरीका समझना है कि किस प्रकार से इस प्रश्न तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। कह रहा है अधोलिखित को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। शब्दकोश कहने का मतलब होता है दोस्तों डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में पहले कौन सा वर्ड रखते हैं, तो आप जानते हैं दोस्तों ए वाला वर्ड, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस प्रकार से आप रखते हैं दोस्तों जेड तक रखते हैं। तो बिल्कुल समझ गए, तो देखिए यहाँ से चलते हैं, लेकिन जो शब्द जो हम लोगों का लेटर पहले मिलेगा उसी को डिक्शनरी में रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे चलेंगे दोस्तों डिक्शनरी में, देखिए टी तो सभी में कॉमन है, इसमें भी टी 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 है, तो यहाँ पर टी तो सब में मिल रहा है। इसके बाद चेक करना है एबीसीडी में कौन सबसे पहले आ रहा है, देखिए इसमें यू आ गया, इसमें भी ओ आ गया, इसमें आर आ गया, इसमें ए आ गया, इसमें भी ए, तो 3-5 में सर ए दोनों में है। उसके बाद देखिए एस भी दोनों में आ गया, तो पहले एस, उसके बाद देखिए टी और के, तो देखिए ई सब, तो ई 3 और 5 में हुआ क्या, क्या खेल चला, क्योंकि TAS तो दोनों मिल गया। इसके बाद देख रहे हैं कि इसमें टी है और इसमें क्या है दोस्तों के, तो ABCD में पहले क्या आएगा, के आएगा, यानी स्टार्ट होगा 5 से, तो सीधा सा आप क्या लिखेंगे दोस्तों 5 लिखेंगे, क्योंकि ये वाला पहले हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर आ जाएगा ये वाला 3, क्योंकि 5 के बाद 3 लेना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर TAT है, उस सब में तो अलग था। अब देखिए ये दोनों ले लिया, अब देखिए कौन है, टी के बाद हम लोगों का एक नंबर में यू है, इसमें ओ है, आर है, तो ये वाला होगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरा इसके बाद आएगा, उसके बाद फिर इसमें आर है, तो हम लोगों का चौथा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों चौथा के बाद हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी 5-3-2-4-1, क्या लॉजिक है इस तरीके का प्रश्न करने का। जो कॉमन है दोस्तों उसको हटा दीजिए, कहने का मतलब टी तो सब में है, नहीं समझे एक बार फिर से देखिए, टी सब में है तो इसको क्या कर लेंगे दोस्तों कॉमन कर देंगे, हटा देंगे,
इसके बाद देखना एबीसीडी में कौन सबसे पहले आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर यू है, इसमें ओ है, इसमें आर है, लेकिन इसमें ए है सर, इसमें भी ए है, इसमें एस भी है, इसमें भी एस, इसके में टी है, इसमें के है, तो पहले के वाला आएगा। इसीलिए हम लोग कहानी कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, सीधा सा हम लोगों का पाँच से होगा, उसके बाद तीन लेंगे। क्यों तीन लेंगे? क्योंकि इसमें ए था। उसके बाद अब देखिए कौन पहले आ रहा है, तो टी उधर, यू है, ओ है, आर, तो पहले हम लोगों का ओ वाला आएगा यानी दो हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का कौन ले लेंगे दोस्तों, आर वाला आएगा, चार हो जाएगा। फिर क्या बचेगा दोस्तों, एक। तो इस प्रश्न का आंसर सीधा सा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, डायरेक्शन यानी दिशा से कह रहा है कि मैं 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता हूं। यहां पर उसके बाद कह रहा है कि दाईं तरफ मुड़ता हूं, ये देखिए दाईं तरफ मुड़ता हूं और 8 किलोमीटर जाता हूं, पुनः बाईं तरफ मुड़ता हूं और 5 किलोमीटर जाता हूँ। उसके बाद ये देखिए इस प्रकार के सवाल कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको डायरेक्शन याद रखना है कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको पश्चिम लेना है, जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है, जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना है। तो इस प्रकार से आपको लॉजिक याद रखना होगा कि क्या लॉजिक है इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। तो हमने क्या कहा, इस साइड पूर्व, इस साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। तो ये देखिए अब स्टार्ट कर दीजिए, जैसे जैसे करा करें मैं 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता हूँ, तो देखिए डायरेक्शन में पूर्व किधर है, इस साइड में सर, तो 5 किलोमीटर चल दिए। फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ दीजिए, देखिए दाएं इस साइड हो जाएगा और 8 किलोमीटर क्या चल दिए। उसके बाद पुनः यहाँ पर लिखा दोस्तों कि बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ा और कितना चला दोस्तों 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर चल दिए। हटाइए 5 वहाँ पर नहीं लिखेंगे, 5 हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देते हैं इस जगह पर, हाँ 5 चला। उसके बाद फिर से देखिए वो बाईं तरफ, मैं फिर से बाईं तरफ मुड़ा और 8 किलोमीटर, तो बाया किधर हो जाएगा दोस्तों इस साइड हो जाएगा और 8 किलोमीटर चला। तो अब देखिए उसने क्या कहा कि शुरुआती बिंदु से, उसने कहा कि पहले शुरू किए गए बिंदु से कितनी दूर है, तो स्टार्टिंग उसने यहाँ से किया, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, तो ये वाला भी हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, तो उधर 5 और ये वाला 5, तो 10 हो जाएगा। सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 + 5, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक आयत की तरह बन रहा है कि आमने सामने एक भुजा बराबर है, तो सीधा सा यानी 10 किलोमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस लॉजिक को समझ लीजिए कि किस तरीके से किए, और यहाँ पर हमेशा याद रखें जिधर हम लोग चल रहे हैं तीर के निशान में दायां बायां हमेशा याद रखें, जैसे ही ई साइड जा रहे हैं पूरब, तो हम लोगों का दायां किधर हो जाएगा दोस्तों नीचे साइड हो जाएगा, क्योंकि ई साइड में आपका दायां होगा, ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों बायां हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लॉजिक को समझना होगा कि दायां बायां किधर होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, कथन और निष्कर्ष। तो देखिए कथन निष्कर्ष कैसा दिया गया, यहाँ पर कह रहा है कि माता पिता जो है अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क भुगतान करना चाहते हैं। सही कह रहा है कि माता पिता जो है दोस्तों अच्छे शिक्षा के लिए उच्च शुल्क की भुगतान करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। कथन को हमेशा सत्य मानकर चलना है, तो ये बात तो हम लोगों का कथन में लिखा है। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया है, कह रहे माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, इसीलिए तो उच्च शुल्क की वो भुगतान करना चाह रहे हैं। फिर कह रहा है कि अच्छी शिक्षा केवल, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों अच्छी शिक्षा केवल, तो जैसे ही केवल आपका रहेगा तो आप क्या कर देंगे दोस्तों गलत कर देंगे। ट्रिक हमेशा याद रखेंगे, अगर आपका केवल कभी भी निष्कर्ष में है दोस्तों तो वो पर गलत हो जाता है, लगभग सवाल गलत हो जाता है। क्यों? अगर हाँ यही बात आपका कथन में अगर केवल से चर्चा रहता है तो फिर निष्कर्ष आप नहीं करेंगे गलत, क्योंकि अगर कथन में केवल चर्चा है तो फिर आप निष्कर्ष नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कथन में केवल से जोड़ दिया है यहाँ पर, इसीलिए ई निष्कर्ष को जोड़ा है, इसीलिए गलत किए कि अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर ही प्रदान कर सकते हैं, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों केवल एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले हैं। यहां कह रहा है कि माता पिता जो है हम लोगों का अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क भुगतान करना चाहते हैं, ये बात कथन में कहा है, तो कह रहा है कि माता पिता बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इसीलिए उच्च शुल्क भुगतान किया है। दूसरा में कह रहा है अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर ही प्रदान किया जा सकता है, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यानी ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा, इसमें केवल चर्चा किया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा।
तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट कर देंगे, हर एक स्टूडेंट कमेंट कर देंगे कि यहाँ पर कह रहा है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब चार में से तीन समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना। इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई तो एक अलग होगा ही होगा, तो ये बात आपको बताना है कॉमेंट करके। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, घंटी वाला में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।